संदेश खाली में संग्राम अब तक जारी है। महिलाओं के उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से संदेश खाली सुलग रहा है, तो इसे लेकर आज बंगाल में एक बार फिर से झड़प हुई। दरअसल संदेश खाली की महिलाओं के साथ हुए जुल्म का पूरा सच जानने के लिए जा रही एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और फैक्ट फाइंडिंग टीम के बीच जमकर तकरार हुई। घंटों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने न सिर्फ उन्हें सच जानने से रोक दिया बल्कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। पहले पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली से करीब 52 किलोमीटर दूर ही भोजेर हाट में उनको रोक दिया। 6 सदस्यीय इस टीम की अगुवाई पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी कर रहे थे। बाद में पुलिस ने इन सभी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को भोजेर हाट से कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लाल बाजार ले जाया गया और यहां से कुछ घंटे बाद सभी को रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख को सरकारी संरक्षण का मामला जोर पकड़ रहा है क्योंकि पूरे बंगाल की पुलिस मिलकर अब तक उसका सुराग नहीं लगा पाई है। 5 जनवरी को रेड करने के लिए गई ईडी टीम पर हुए हमले के बाद से शाहजहां शेख लापता है, यानी 52 दिनों से वो फरार है। उसके खिलाफ हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। साथ ही राशन घोटाले में भी ईडी को शाहजहां की तलाश है। संदेश खाली में कई महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा शाहजहां पर जमीन कब्जा करने की सैकड़ों शिकायतें भी उसके खिलाफ लोगों ने दर्ज कराई हैं और कई ऐसी बातें बताई हैं। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि संदेश खाली के खलनायक को पकड़ पाने में नाकाम रही पुलिस का फोकस अब भी शाहजहां शेख को तलाशने से ज्यादा विपक्षी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोकने पर है। संदेश खाली पर सियासत के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस और फैक्ट फाइंडिंग टीम में सड़क पर संग्राम, धरना, प्रदर्शन और गहमा गहमी की ये तस्वीरें बंगाल के भोजेर हाट की है, जहां संदेश खाली जाने वाली एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके विरोध में फैक्ट फाइंडिंग टीम सड़क किनारे धरने पर बैठ गई। संदेश खाली जा रहे थे, इसलिए रोका गया कि 144 है। अब यहाँ तो 144 समझ में नहीं आता। संदेश खाली जा रहे थे, जाने नहीं दिए तो यहाँ। इस दौरान पुलिस और फैक्ट फाइंडिंग टीम के बीच कहासुनी हुई, आरोप लगाने का सिलसिला चला। हम साइड में घास पे बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, कोई भी सड़क को हम रोक नहीं रही है। पर्पसली पुलिस गलत काम कर रही है, हमारे नाम से सड़क रोक रही है, एम्बुलेंस रोक रही है और दुनिया को तकलीफ दे रही है। जब पुलिस के समझाने पर फैक्ट फाइंडिंग टीम टस से मस होने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। पुलिसकर्मी उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने लगे, इस पर उन्होंने विरोध जाहिर किया। ये कौन सा न्याय है? अपराधियों पर इतनी जो अपनी ताकत लगा रहे हो, अपराधियों पर लगाओ ना, प्रॉब्लम कहाँ है? पकड़ के उसको मीडिया के सामने लाओ ना, जिसको लाना है। वो शाहजहां कौन सा ताज पहनकर बैठा है उसको पकड़ो ना, हमें क्यों पकड़ रहे हो? Z News.